दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन फ्राइडे का और मैं जस्ट अभी आ चुका हूँ, यहाँ मानेसर के पास में हूँ। और आज सुबह मैं निकला था अपना रेगुलर काम के लिए। जैसे मैं निकलता हूँ 8-9 बजे निकला था आज, और जैसे ही व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह देखता हूँ तो पता चलता है कि आज की स्ट्राइक कर रखी है ड्राइवर भाइयों ने, और जंतर मंतर पर आज प्रदर्शन होने वाले हैं। तो जिसकी वजह से मतलब मैं फिर ओला उबर में राइड लेना वो नहीं किया। उसके बाद मेरे को क्या है कि जनकपुरी आना था किसी काम से, तो जनकपुरी के पास में जो है दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पड़ता है, वहीं पे फ्लाईओवर के पास से मैं निकल रहा था तो एक भाई ने हाथ दिया, तो कहता है मेरे को वहां पे मानेसर जाना है। तो मैंने कहा ठीक है मानेसर। मैंने सोचा वैसे काम तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि देखो जहां कई ड्राइवर भाई स्ट्राइक कर रहे हैं वहां अगर आप चला रहे हो तो ये आपका मतलब फिर गलत इम्पैक्ट पड़ता है। अगर तो आपको साथ देना चाहिए, चाहे आप गाड़ी मतलब ओला उबर में मत चलाओ। वैसे आपको अगर प्राइवेट बुकिंग मिलती है या कुछ मिलती है तो आप वो बेसिक लेके जाओ, क्योंकि ओला उबर को आप चलाओगे तो इससे क्या कहता है, जो बंदा हड़ताल कर रहा है उसके लिए थोड़ा सा वो हो जाता है कि एक बंदा आपके लिए लड़ रहा है सरकारों से, है अपना मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के जंतर मंतर पर गया हुआ है। आपको ये नहीं बोला जा रहा कि आप जंतर मंतर पहुंचे, पर जो भी है तो मैं वहां से फिर मतलब 700 रुपये की मेरी बुकिंग थी, मानेसर टोल से ही पहले उनको ड्रॉप किया था, तो ड्रॉप करके मैं बस अभी यहां पर अभी लगाई है मैंने गाड़ी। तो फिर अब यहां से सीधा जाऊंगा घर, देखता हूं कोई बुकिंग्स वगैरह वैसी मिल जाती है, नहीं तो इफ्को चौक से फिर द्वारका मोड़ तक की सवारी आपको पता ही है वहां से मिल जाती है, तो वहां से लेके फिर सीधा घर निकलूंगा क्योंकि गाड़ी चला रहा। पर मैंने आज देखा मतलब दिल्ली में भी ये लगा लीजिए एक तरीके से कह सकते हैं कि 40% गाड़ियां कम है बट 60% अभी भी रोडों पर चल रही है। तो क्या है कि इस तरीके से अगर गाड़ियां चल रही हैं तो फिर हड़ताल पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ओला उबर की फैसिलिटी तो और बंदे दे रहे हैं और बंदे चला रहे हैं, तो सबसे पहले उस चीज को रोकना पड़ेगा। ऐसे जैसे सडनली जो पता चलता है, मैंने कई बार एक दो वीडियो में पहले ही बताया कि सडनली हम उठते हैं तब पता चलता है कि आज स्ट्राइक है, आज धरना प्रदर्शन है, आज ये है वो है, तो इस चीज से ऐसे नहीं बनता। हर चीज का माहौल क्रिएट करना पड़ता है। एक हफ्ते पहले से ही अगर आप सबको सतर्क करो, पोस्टर लगाओ, गाड़ियों के पीछे चिपकाओ, जैसे पहले पिछले साल भी किया था, 3 दिन की हड़ताल हुई थी, उसमें भी रिजल्ट कुछ आता नहीं है सच बताऊं तो, ठीक है ना। स्ट्राइक करते हैं बंदे पर रिजल्ट निकल के नहीं आता, तो करो तो ढंग से करो, प्रॉपर जीरो कर दो गाड़ी को, तब जाके तो वो समझ में आएगा। और आप तो सब लोग जानते ही होंगे इस टाइम हालत सभी की खराब है, सीएनजी के प्राइस भी बढ़ रहे हैं, और अगर बंदे को बोला जाए कि एक हफ्ते के लिए स्ट्राइक करे तो बंदा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके घर की माली हालत बहुत खराब है, फाइनेंशियल वो है, लोन पे गाड़ी है, तो बहुत चीजें हैं। बस 2-3 दिन के लिए अगर करना चाहे तो एक बार लग के कर ली जाए स्ट्राइक को, ठीक है ना। और सबसे पहले तो जितने भी यूनियन है, दिल्ली हो, एनसीआर हो, कहीं के भी हो, उनको सबको एक साथ लेके चलना पड़ेगा। बिना उनके एक साथ लेके चलने में आप कोई भी मतलब इतना वो नहीं होता, क्योंकि हर यूनियन से हजारों ड्राइवर भाई जुड़ा हुआ है, तो जितने भी ड्राइवर भाई होंगे वो यूनियन की बात को ही ज्यादा मतलब वो देते हैं, तो जब तक इनका साथ नहीं मिलेगा तब तक ये स्ट्राइक को सक्सेस करने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाती है, होने वाली है। क्योंकि अभी भी मैं देख रहा हूँ यहाँ गुड़गांव में मुझे लग नहीं रहा कोई स्ट्राइक कर रहा है, यहाँ पर सारी गाड़ियां चल रही है, सब वैगनार है, दिल्ली नंबर भी है, HR नंबर भी है, UP नंबर भी चल रही है यहाँ पर, तो किसी को कोई रोक नहीं रहा है यहाँ पर, मतलब ऐसा है कुछ है। वो तो आप अपनी इच्छा से है, तो मैं तो देखो आज चला नहीं रहा गाड़ी, मेरे को तो वैसे ही मिल गई थी, तो अब मैं यहाँ से इफ्को चौक से सीधा घर निकल जाऊंगा। तो जो भी अपडेट आ रहा है स्ट्राइक से रिगार्डिंग वो मैं आपको देता रहूंगा, और जो जो मेरे पास आएगा अपडेट, और अगर मेरा उधर जंतर मंतर साइड चक्कर लगा तो उस तरफ भी जाऊंगा और अपडेट दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ, फिर आगे के मैं कुछ भी अपडेट आता है वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, और आप भी मुझे कमेंट्स करके बताना दोस्तों कि मैं सही बात कर रहा हूँ कि नहीं, क्योंकि जब तक यूनियन एक साथ नहीं होगी तब तक स्ट्राइक का कोई मतलब नहीं है। ऐसे ड्राइवर को कुछ स्ट्राइक करेंगे कुछ नहीं करेंगे तो ऐसे सक्सेस नहीं मिलती बिना उसके, तो एकजुट होना बहुत जरूरी है सभी ड्राइवर के लिए। और मैं सभी ड्राइवर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आज नहीं चला, एक दिन नहीं चलाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा सा सपोर्ट करोगे तो धीरे धीरे अगर हर कोई सपोर्ट करेगा तो वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है।
तो ठीक है दोस्तों, आगे की मैं आपके साथ शेयर करता हूँ आगे क्या होता है, और जो भी अपडेट आएगा मैं आपको ब्लॉग के थ्रू बताता रहूंगा या मैं आज ही उसको डाल दूंगा आपको। ठीक है दोस्तों, दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 3:30 बज गए हैं दिन के, और मैं अभी आ चुका हूँ यहाँ आपका द्वारका सेक्टर 1 पे। अभी मैंने एयरपोर्ट से, वहां से जब मैं मानेसर की तरफ से चल रहा था तब एक एयरपोर्ट की ट्रिप मतलब खड़ी थी वहां पर, तो उनको ले आया टर्मिनल 3 छोड़ा ऑफलाइन में ही, जो 400 रुपये वहाँ से मिल गए, और फिर एयरपोर्ट से 100 रुपये की सवारी वैसी जो होती है वो बैठाई, तो वहाँ यहाँ तक पालम तक हो गया। तो आज का काम मतलब 700 रुपये की वो ऑफलाइन बुकिंग है, 400 की है, 1200 रुपये का आज का काम हुआ है। और देखा जाए जो स्ट्राइक चल रही है दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा फर्क पड़ा होगा, क्योंकि यहाँ मैंने देखा गुड़गांव में भी गाड़ियाँ मतलब सारी चल रही है, यूपी नंबर भी चल रही है, हरियाणा और दिल्ली नंबर भी, और दिल्ली में भी देख रहा हूँ तो सभी लोग मतलब ओला उबर चला ही रहे हैं आज की तारीख में। तो हम ही लोग हैं जो थोड़े बहुत जो मतलब सपोर्ट कर रहे हैं और नहीं चला रहे हैं, तो मतलब वही चीज़ है, एक जब तक एक रणनीति नहीं तैयार होगी तब तक ऐसी सडनली आपको बोल दिया जाए कि आज स्ट्राइक है तो उसका कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो आज का तो दिन मतलब ये लगा लीजिए मेरा 1200 रुपये का वैसे ही ऑफलाइन में ही काम हुआ है, तो जिसमें से 400 रुपये की CNG लग चुकी है, 800 रुपये का टोटल नेट काम आज का मेरा हुआ है। तो अभी मैं घर जा रहा हूँ, घर की तरफ ही पहुँच रहा हूँ, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है गाड़ी चलाएंगे, कोई रुकेगा रास्ते में तो उससे बढ़िया है कि घर ही पहुँच जाओ। कल देखेंगे नई उस पर न्यू अर्निंग पे, चले मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट अर्निंग पे। टिल देन बाय।